ऐसा क्या है जिसे आप दिन में कई बार उठाते हैं और रखते हैं? अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही मजेदार सवाल जवाब लेकर आए हैं, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, आज का सवाल, ब्रेन टेस्ट ऐसा क्या है जिसे आप दिन में कई बार उठाते हैं और रखते हैं? इसका उत्तर आप जानते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट में उत्तर जरूर बताओ। अगर नहीं जानते हैं तो आपको इस लेख के सही उत्तर बताने वाले हैं। वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा। चलिए, आपका फर्स्ट नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी ने किसान आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किस जगह से शुरू किया था? आपका आंसर हो जाएगा चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे किस नाम से सन 1909 एक्ट को जाना जाता है? तो आपका आंसर है मार्लो मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का कौन है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो कौन सा है? तो आपका आंसर है अनुच्छेद 51। किसके द्वारा भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था? तो आपका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। इसी के द्वारा भारत की संविधान सभा गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है कॉल मार्कर्स ने। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो आपका आंसर है सन 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगर पूछे चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया था, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संपत्ति संबंधी ट्रीटशिप का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संपत्ति संबंधित ट्रीटशिप का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? आपका आंसर होगा किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जगह पर यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? तो किस पर है, तो इसका आंसर है जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर है 24 अक्टूबर को। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट आपका वीडियो जवाब हो में। जाएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला प्रश्न है, प्रमुख विधि अधिकारी भारत सरकार का कौन होता है? तो आपका आंसर है भारत के महान न्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो कौन सा होता है, तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर है 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है भाग 3 में। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के स्वराज मेरा जन्म
जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था, तो किसने कहा था? तो इसका आंसर है लोकमान्य तिलक, जो कि बोले थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कितनी है? तो इसका आंसर है 15। नेक्स्ट है, किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के कार्य करने की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो इसका आंसर है 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में आजाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था? तो इसका आंसर है 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के वर्तमान समय में कुल कितने भाग है? तो इसका आंसर है 22 भाग। सवाल, ऐसा क्या है जिसे आप दिन में कई बार उठाते हैं और रखते हैं? तो दोस्तों, दरअसल इस सवाल का सही उत्तर कदम है। आप देखते हैं जितना चलते हैं उतना कदम उठाते हैं और रखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।